नमस्कार प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी के जो भी हमारे वीर जवान हैं उन सभी के लिए एक नई अपडेट है कि भारतीय सेना के अंदर भर्ती होने वाले अग्निवीर जो भी एम्प्लॉयज़ है वो मान लीजिए वो थल सेना में है जल सेना में है या वायु सेना के अंदर है उन सभी को राज्य सरकारें अब अपने वहाँ पर होने वाली जो उनकी मिलिट्री सर्विसेज है या आप लोग कह सकते हैं सैनिक बल है पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन सभी के अंदर उनको रिजर्वेशन देंगे पहली बात तो ये कि इस रिजर्वेशन की मैं तारीफ़ कभी भी नहीं करूँगा क्यों नहीं कर रहा हूँ तो बात को पूरी सुन लीजिएगा इसको काट के कोई नहीं चलाएगा क्यों क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए मैं इस बात को सबसे प्रमुखता से जिस दिन से अग्निवीर स्कीम आई है तब से कह रहा हूं कि मेरे वीर जवानों के साथ ये छलावा है जो सपने देखते थे कि माँ भारती के सपने को पूरा करना है माँ भारती की सेवा करनी है और फौज के अंदर जाकर भारतीय सेना की वर्दी को धारण करके इस भारत माँ के अद्वितीय सौंदर्य के अंदर और चार चांद लगाऊंगा इसके साथ सरकारें छलावा करती है उसके बाद छोटी मोटी लॉलीपॉप देकर बच्चों को बरगलाने की कोशिश करती है तो पहली बात तो हम अभी भी रक्षा मंत्री महोदय से प्रधानमंत्री महोदय से राष्ट्रपति महोदय से ये अल्तजा करते हैं कि अग्निवीर के स्कीम के बारे में पुनः सोचा जाए अग्निवीर स्कीम की सीटें भले ही पाँच परसेंट कम हो जाए पर यह वैकेंसी परमानेंट आए ऐसा कुछ भी नहीं करें इन्होंने क्या कर दिया है एक बड़े समंदर के बीच नाव को ले जाकर ठहरा दिया और वहां पर पता नहीं चल रहा है कि किधर किनारा है और किधर मुझे जाना है ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बच्चा 18 साल की उम्र में भर्ती होकर 22 साल की उम्र के अंदर 22 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है बच्चा लोग आप लोगों को पता है कि 22 साल की उम्र के अंदर उन पिताजी की आंखों के अंदर ये डर है कि मेरा बच्चा कहीं बेरोजगार ना हो जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर राज्य सरकारें 10 परसेंट रिजर्वेशन की बात करती है कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है ये आप तो अग्निवीर स्कीम के अंदर अग्निवीर जो सिलेक्टेड बच्चे उनको परमानेंट कीजिए ना कहाँ करने की ज़रूरत है ये क्यों दस परसेंट का लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है आप भी बात कीजिए वैसे यूपी की यूपी के बच्चों को मैं सलाम करता हूँ कि यूपी के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री महोदय को बता दिया कि मन पड़े जो स्कीमें लाने से कई बार डर भी हो सकता है और 400 की जगह 300 भी नहीं आ सकती है तो ये ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा हो सकता है सरकारें कभी भी ये नहीं समझे कि हम ही सब कुछ है हम ही राजशाही है ये भारतीय लोकतंत्र है बच्चा और भारतीय लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है तो अग्निवीर स्कीम के अंदर खैर मैं मेरे पुराने वीडियोस भी आप देखेंगे अग्निवीर स्कीम के बारे में हमेशा मैंने विरोध किया है अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी स्कीम नहीं है परमानेंट रिक्रूटमेंट हो भारतीय मिलिट्री के अंदर परमानेंट अरे भैया जब एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी आर एस एस इनमें आप परमानेंट रिक्रूटमेंट दे रहे हैं और जो भारतीय सेना है जहाँ पर पूरा का पूरा दारोमदार उनके पास है उनको आप कह रहे हो आप चार साल के कॉन्ट्रेक्चुअल मजदूर हो ये बात अच्छी है क्या जी हां साथी ये वर्ड मुझे काम लेते हुए बड़ा दुख हो रहा है जो फौजी शब्द जो था जो आपकी धड़कनों को तेज कर देता था वहां पर आजकल उनको ना तो सम्मान मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है ना उनको प्रॉपर वर्दी मिल रही है तो ये एक तरह का मजाक है भावनाओं के साथ खिलवाड़ है देखिएगा दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आपको जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता बच्चों को रहती है एक आर्थिक संतुष्टि होना जरूरी है उससे ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण बात है जब आप लोग फौजी बनकर भारतीय सेना की शरदों पर तैनात होते हैं तब वहाँ पर अग्निवीर जो है। वो उतना अच्छा वर्ड नहीं है आप तो भारतीय भारतीय आर्मी कहिए कहिए सेना छत्तीसगढ़ राज्य वैसे मैं आपको बता दूं मोटा मोटी तौर पे जो भी बीजेपी गवर्न जहां पर भी सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्होंने कल आपको कारगिल विजय दिवस था 26 जुलाई 1999 पर कारगिल घाटी के अंदर भारतीय सेना ने जो एक अद्वितीय परचम फहराया उसको याद करते हुए भारतीय वीर योद्धाओं को याद करते हुए मां भारती के उन सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए हमने इस वर्ष रजत जयंती यानी 25 वर्ष कंप्लीट किए और 25 वर्ष के कंप्लीशन पर भारतीय सेना के साथ जिस तरह का मजाक किया गया उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए ये राजनेता फालतू की बातें किए जा रहे हैं कि हम अग्निवीर स्कीम के अंदर जो भी बच्चे वहाँ से वापस आएंगे उनको हम टेन परसेंट रिजर्वेशन देंगे वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर अरे जब आप भारतीय सेना की इतनी इज्जत कर रहे हैं भारतीय सैनिकों के अद्वितीय साहस को सलाम करना चाहते हैं तो अग्निवीर आप लोग आप तो परमानेंट कीजिए ना अरे भैया जब परमानेंट नहीं होगा उसको डर रहेगा उसको यह डर रहेगा मेरी जॉब कभी भी जा सकती है क्या वो पूरे मन और पूरे मस्तिष्क और पूरे साहस के साथ उस वीरता के अद्वितीय कौशल को वहां बता पाएगा क्या यदि ऐसा सोचेंगे नहीं तो कैसे काम चलेंगे एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लोग मन पड़े ज्यू स्की में निकाल देते हैं और उसके कारण जो एकदम अद्वितीय ग्रास रूट पे बैठा हुआ वो बच्चा परेशान होता है जिसने आठवीं क्लास के अंदर ख्वाब देखा कि मां मैं भारतीय सेना में, में जाऊंगा और अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाने का कार्य करूंगा उसके साथ छलावा हो रहा है उसके साथ मजाक हो रहा है और उसके बाद आप कह रहे हो दस परसेंट रिजर्वेशन दे हो यदि आपके मन के अंदर भारतीय सेना के प्रति यदि आपकी सच्ची आपकी आस्था है और सच्चा आप सम्मान करते हैं तो आप अग्निवीर स्कीम को ही बंद करके भारतीय सेना के अंदर परमानेंट रिक्रूटमेंट कीजिए हम और पूरे भारत की आबादी आपको सलाम करेंगे आपके हौसलों को सलाम करेंगे पर भारतीय राजनेता कभी भी मजाक करने से ऊपर नहीं आ सकते हैं तो ये आपके पास रजन जयंती जो हमने कारगिल विजय दिवस मनाया 26 जुलाई को तब इन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ की सरकारें मध्य प्रदेश की सरकारें ओडिशा उत्तर प्रदेश गुजरात और राजस्थान इसमें एक फोटो राजस्थान की नहीं है ये नव भारत टाइम्स एक भारत का एक प्रतिष्ठित अखबार है उसकी कटिंग है और इन्होंने बोला है यूपी एमपी, गुजरात गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान इन सभी सरकार उड़ीसा इन सभी सरकारों ने वहाँ पर जो है अग्निवीर से जो बच्चे आएंगे उनको वहाँ की जो जेल प्रहरी हो गया है पुलिस हो गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया है उन सभी के अंदर वन रक्षक हो गया है वन पाल हो गया है आरक्षक हो गया है यानी कि वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पर रेंजर्स वगैरह होते हैं जो मतलब आ, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी की पोस्टेज है उन सब के अंदर जो अग्निवीर स्कीम से आए हुए बच्चों को वहाँ पर रिजर्वेशन कंसिडर किया जाएगा ये आ, कल की खबरें हैं आज अखबार के अंदर आई है ये आपको मैंने बता दी है बट मेरा अभी भी यही पॉइंट है कि अग्निवीर स्कीम को हटाकर परमानेंट रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडियन आर्मी हो तो ही आनंद आ सकता है भारतीय थल सेना हो वायु सेना हो या जल सेना हो इन सभी के अंदर गवर्नमेंट जो बच्चा सेलेक्ट होके वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहा है वो हमेशा के लिए रहे उसका रिटायरमेंट प्रोग्राम फिक्स हो उसके लिए ग्रेजुएटी फिक्स हो सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन पहले से क्लियर हो कि उसको जब माँ भारती की सेना के माँ भारती की सेवा में जब जा रहा है तो उसको परमानेंट रिक्रूटमेंट ही मिले बाकी ये जो मैंने बताई दिया है इनमें सब में दस परसेंट का लॉलीपॉप बताया है कुछ नेताओं को दिए भी नहीं पता कितना रिजर्वेशन देंगे क्योंकि उन भेड़चाल एक ने बोला हम रिजर्वेशन देंगे दूसरे ने बोला मैं दूंगा शाम तक चार पाँच छः जनों ने कह दिया हम देंगे हम देंगे अरे भैया आप जो प्रधानमंत्री जी है रक्षा मंत्री जी है गृह मंत्री जी है, उनको फोन करके कह दो ना यार ये अग्निवीर बंद कराओ परमानेंट नौकरी दो इनको खत्म बात कहा इसकी जरूरत ही नहीं है हमें इसकी जरूरत ही नहीं है आप तो परमानेंट रिक्रूटमेंट कराओ बस खत्म बात पर जो भी है आप उसने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कॉमेंट्स भी कीजिएगा आपकी क्या राय है मैं आपसे बातचीत करेंगे एक नया ट्रेंड लेकर आएंगे कोशिश करेंगे कि अग्निवीर स्कीम को किस तरह से हटाया जा सके इन सभी के बारे में आपके सुझाव आमंत्रित हैं हम क्या कर सकते हैं सरकार क्या कर सकती है हो सकता है आपके पास एक बहुत पॉजिटिव सजेशन हो और वो कहीं काम कर जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी के कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हो सकता है तो यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो मेरे भाव अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत